आज संजौली महाविद्यालय की अखंड भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आगमन, इसका आयोजन किया गया और मुझे उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। जिस प्रकार से आज युवा शक्ति जो कि हमारे देश की धरोहर है, जब करीब 65% आबादी आज युवाओं की है, और आज युवाओं को आगे ले जाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, युवा किस प्रकार से स्वावलंबी बने उसके लिए अनेकों योजनाएं शुरू की गई हैं, स्टार्टअप इंडिया से लेकर स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, और अब ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से युवा स्वावलंबी बने और युवा आगे आएँ, और जो लक्ष्य 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकें। बाकी जहाँ तक मेरे संसदीय क्षेत्र की बात है, लगभग 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, और इन 5 वर्षों में हमारा प्रयास रहा है सांसद के नाते मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं केंद्र के द्वारा स्वीकृत की गई हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो भी प्रयास किए उसका जो है बहुत सुखद उसके रिजल्ट्स आए, और उसका ही नतीजा है कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा की जो योजनाएं हैं, जिसमें रेणुका डैम प्रोजेक्ट की हम बात करें जो लगभग 7,000 करोड़ का है, इसी प्रकार से सुन्नी डैम प्रोजेक्ट जो लगभग 2,800 करोड़ का है, मेडिकल डिवाइस पार्क की हम बात करें नालागढ़ की, हम बद्दी चंडीगढ़ रेलवे लाइन की बात करें या बद्दी चंडीगढ़ जो है 4 लेन की हम बात करें, हम पौंटा साहिब से लेकर शिलाई हाट कोटी जो लगभग 1426 करोड़ रुपये की लागत से हमारा ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे बन रहा है, इसी प्रकार से शिमला की स्मार्ट सिटी की बात है, या फिर जो है कालका शिमला 4 लेन की बात है, या फिर मेडिकल जो हमारा डिवाइस पार्क नालागढ़ जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसके साथ साथ हमारा जो नाहन का मेडिकल कॉलेज है, हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट धौला कुआँ है, ये सारी योजनाएं जो है मेरे कार्यकाल में जो स्वीकृत हुई हैं और आज इनके ऊपर जो है कार्य आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे काम भी हैं जिसको कि हमने कुछ सांसद निधि के माध्यम से और CSR के माध्यम से अपने तीनों जिला के लिए करवाए हैं। मैं समझता हूं कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इन 5 सालों के दौरान जो है हमने तीनों जिला में और जो मेरे 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर सांसद निधि के माध्यम से भी प्रयास किया, जबकि कोविड के कारण लगभग 2.5 वर्षों तक सांसद निधि नहीं मिल पाई, क्योंकि उस समय सारी सांसद निधि हमने कोविड के लिए दे दी थी। इसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहा कि जितना भी संभव हो सका और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों को हमने कवर करने का प्रयास किया। हो सकता है कुछ पंचायतें इसमें छूट गई हैं जिनको कि आने वाले समय में हम MP LED देंगे, और कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहाँ जितनी डिमांड थी उतना नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी यह प्रयास किया गया कि सभी जगह थोड़ी थोड़ी राशि जो है दी जाए, ताकि जो विकास के काम इन पंचायतों का हम कर सकें। भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो पंचायतें छूटी हैं आने वाले समय में उसमें सांसद निधि के माध्यम से और काम हम कर सकें। केंद्र सरकार ने 90:10 की रेशियो में पैसे स्वीकृत करे है, उस पर क्या बोले? मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मोदी जी का। हमने देखा UPA का समय, जब जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था हिमाचल प्रदेश को, उसको छीन लिया गया था, लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है उसका स्टेटस दिया, और आज जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजना है हम देख रहे हैं, वर्तमान समय की अगर हम देखें 1.5 वर्ष लगभग इस सरकार को होने वाला है, 13 महीने हो गए, 14 महीने पूर्ण को होने को है, लेकिन आज कोई भी विकास का काम जो है यहाँ प्रदेश की जो बजट है उससे ना होकर केंद्र के जो 90:10 की रेशियो में जो बजट मिल रहा है वही सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है कि आज जो है जितनी भी परियोजनाएं हैं, चाहे सड़कें हैं, चाहे पीने के पानी की हैं, या दूसरी जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं, जो भी परियोजनाएं आज हिमाचल प्रदेश में कार्यान्वित हो रही हैं वो 90:10 की रेशियो में हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव हिमाचल प्रदेश से है उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला है।